एनसीपी के विभाजन के 52 दिन बाद सुप्रिया सुले ने बारामती में प्रवेश किया। बारामती में अजीत पवार के कार्यकर्ताओं को सुप्रिया सुले के साथ देखा गया, जिससे कई लोगों की बौहें तन गई। इस मामले में जब सुप्रिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे कार्यकर्ता नहीं है बल्कि पवार परिवार का अभिन्न अंग है। सुप्रिया सुले ने कहा कि बारामती मेरा घर और कर्म भूमि है, लोग मेरे साथ हैं, मेरा एक सामाजिक उद्देश्य है। मैंने तो पार्टी से सिर्फ टिकट मांगा है, एक सेवक के रूप में लोगों ने मुझे अवसर दिए। बारामती की आन बान शान दिल्ली की संसद में नंबर वन रहेगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी में विचारों का अंतर आ गया है, जो कुछ भी हो रहा है उसका पवार परिवार से कोई संबंध नहीं है। एनसीपी पवार परिवार नहीं है, यह कोई पारिवारिक मामला नहीं है। हम में से कुछ लोग महसूस करते हैं कि हमें दूसरी विचारधारा के साथ चलना चाहिए, यह व्यक्तिगत मतभेद नहीं बल्कि वैचारिक मतभेद है। एनसीपी के विभाजन के 52 दिन बाद सुप्रिया सुले ने बारामती में प्रवेश किया। बारामती में अजीत पवार के कार्यकर्ताओं को सुप्रिया सुले के साथ देखा गया, जिससे कई लोगों की बौहें तन गई। इस मामले में जब सुप्रिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे कार्यकर्ता नहीं है बल्कि पवार परिवार का अभिन्न अंग है। सुप्रिया सुले ने कहा कि बारामती मेरा घर और कर्म भूमि है, लोग मेरे साथ हैं, मेरा एक सामाजिक उद्देश्य है। मैंने तो पार्टी से सिर्फ टिकट मांगा है, एक सेवक के रूप में लोगों ने मुझे अवसर दिए। बारामती की आन बान शान दिल्ली की संसद में नंबर वन रहेगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी में विचारों का अंतर आ गया है, जो कुछ भी हो रहा है उसका पवार परिवार से कोई संबंध नहीं है। एनसीपी पवार परिवार नहीं है, यह कोई पारिवारिक मामला नहीं है। हम में से कुछ लोग महसूस करते हैं कि हमें दूसरी विचारधारा के साथ चलना चाहिए, यह व्यक्तिगत मतभेद नहीं बल्कि वैचारिक मतभेद है।